assalamu alaikum class this is altaf ahmed kolachi and i welcome to all of you in altaf's online academy <coughs> today we are moving forward towards the next type of sentences in as soon as and no sooner we have already learned the rules the basic rules of turning a sentence or converting a sentence from as soon as into no sooner and now it's the time to talk about or to learn about the different tenses that how they uh, work in as soon as and no sooner and how they are converted from as soon as to no sooner अच्छा हम एस और नो सूनर का टॉपिक ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं लेकिन पहले टॉपिक में हमने इसके बेसिक रूल्स सीखे थे जो एस एज से नो सूनर में कन्वर्ट करते वक्त सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं ठीक अच्छा लेकिन हमने पहले उसमें एस सोन एज के लेक्चर में यह सीखा था कि अगर सेंटेंसेस प्रेजेंट में हों अगर सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में हों तो कैसे कन्वर्ट होंगे अच्छा आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि अगर सेंटेंसेस एज सुन एज में हो और पास्ट टेंसेज में हो, यानी पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट परफेक्ट में हो, तो फिर वो कैसे नो सूनर में कन्वर्ट होंगे ठीक है तो इंशाल्लाह आज हम इस पर काम करेंगे तो आज हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है कि एज़ सोन एज ही रोट कॉमा दे शेयर्ड इट यानी जैसे ही उसने लिखा उन्होंने आगे शेयर कर दिया ठीक है उन्होंने इसको शेयर कर दिया अच्छा एज उन एज़ का मैंने आपको रूल समझाया था एज उन एज़ वाले सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट जिसमें ऐसून एज लिखा होता है अब ऐस एज आ गया उसके बाद जो सेंटेंस होगा यानी प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में रहेगा पास्ट का है तो एज एक्यूरेट पास्ट में रहेगा उसके बाद कॉमा कॉमा तक फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द सेंटेंस ऑफ द सुनस इज कम्पलीटेड फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है कामा के बाद अच्छा बाद में जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो भी जो हम लिखना चाह रहे होते हैं यानी जैसा सेंटेंस होता है वैसे हम कन्वर्ट करते हैं लेकिन एक रूल कन्फर्म है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बट हे आर आई वुड लाइक टू रिपीट इट वंस अगेन बिकॉज इट्स वेरी कंपल्सरी आपको यही टॉपिक यही सेंटेंसेस सेंटेंसेज डिटेक्शन में आ सकते हैं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको जो है ना कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं तो वो इसमें सबसे बड़ी गेम जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं वो ये कि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में हो और सेकंड पार्ट जो है पास्ट में हो या फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो सेकंड प्रेजेंट में हो या फर्स्ट प्रेजेंट या पास्ट में हो और सेकंड जो है वो फ्यूचर में हो तो आपने इस चीज़ का इंतहाई ख्याल रखना है वो ये कि फर्स्ट पार्ट जिस टेंस में होगा फर्स्ट पार्ट जिस टेंस में होगा सेकंड पार्ट भी उसी टेंस में होगा ये एज एज का रूल है मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट पास्ट फर्स्ट प्रे, पार्ट प्रेजेंट टेंस में है ऐज एज वाला प्रेजेंट टेंस में है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सेकंड पार्ट पास्ट या फ्यूचर में हो नहीं हो सकता फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में है तो सेकंड भी प्रेजेंट में होगा फर्स्ट पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में ही होगा फर्स्ट अच्छा फ्यूचर में थोड़ा ये चेंज है जब फ्यूचर आपको समझाऊंगा तो फिर आपको बात समझ आएगी ठीक है तो ये प्रेजेंट और पास्ट का रूल सेम ही है कि फर्स्ट पार्ट अगर प्रेजेंट में है तो सेकंड भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा फर्स्ट पास्ट में तो सेकंड भी पास्ट में ही होगा अच्छा अब यहाँ पर आप ये हमने सेंटेंस फॉर एग्जांपल मिला और हमने इसको कन्वर्ट करना है नो no सूनर में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है एज सोन एज अब इसको हमने जब पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं ये एज सुन एज है ना एज सुन एज अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया नो सूनर में क्योंकि एज सुन एज को ही नो no सूनर में कन्वर्ट करना है ना ये एज सुन एज कन्वर्ट हो गया नो no सूनर में अच्छा अब सेकंड पार्ट ये देखें सेकंड पार्ट नहीं है बल्कि एज सोन एज के बाद वाला फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये ही रोट अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ही रोट ये पास्ट में लिखा हुआ है ना पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ही रोट अब नो सुनर का रूल ये है कि ऊपर जो भी सेंटेंस लिखा होगा एज सुन एज़ के बाद उसी सेंटेंस के पार्ट को हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर लिखा है ही रोट तो पास्ट इंडेफिनेट में अगर इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेड ये ही और जब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा डिड ही राइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा ही रोट विल बी कन्वर्टेड इंटू डिड ही राइट यहाँ पर डिड आ जाएगा क्योंकि ये जो रोट है ये पास्ट को जो है सेम्बोलाइज कर रहा है तो अब पास्ट के इंटर इसको इंटेरोगेटिव करने के लिए हम क्या लगाते हैं पहले डिड लगाते हैं उसके बाद ये सेम ही रहेगा उसके पास फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म बिकॉज हेयर वी हैव यूज इट्स हेल्पिंग वर्क अच्छा ये हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इसकी स्ट्रक्चर सीख चुके हैं तो ज्यादा इस पर आई थिंक ये बात करने की जरूरत नहीं है अच्छा उसके बाद अगर हम आते हैं उसके बाद आप यह देखें कामा कामा विल भी कन्वर्टेड इन टू दैन ये हम ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं कि यह परमानेंट रूल है कामा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें दैन में, देन में। ये परमानेंट रूल है एज सूनर एज़ कन्वर्ट हो जाएगा नो no सूनर में कामा विल बी कन्वर्टेड इन टू देन और यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो अपने ही इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छा इसके बाद देखें आप दे शेयर्ड इट ये सेम ही रहेगा सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स विच द पार्ट विच वी राइट आफ्टर कामा तो वो इसी में ही वो सेम रहेगा ये दे शेयर्ड इट विल रिमेन सेम दे शेयर्ड इट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये सेम ही रहेगा यहाँ पर यह आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया अच्छा अब इसका हम दूसरा जो है फॉर प्रैक्टिस दूसरा सेंटेंस हम इसका लेते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एज सोन एज प्राइम मिनिस्टर विजिटेड वी साहम ठीक है जैसे जै, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया ठीक है वहाँ पर आए तशरीफ लाए वी साहम हमने उसे देखा अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह है कि जैसे पहला पार्ट है एस उन एस एस उन एज़ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे ये देख सकते हैं आप एस उन एज़ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे ये लिखा हो एस सुन एस एस एज विल बी कन्वर्टेड इनटू नो सूनर ठीक हो गया अच्छा यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ये देख सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर विजिटेड ये किस में इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा डिड प्राइम मिनिस्टर विजिट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये आप देख सकते हैं डिड प्राइम मिनिस्टर विजिट ओ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपनी इंटेरोगेटिव में ठीक है उसके बाद ये देख रहे हैं आप कामा कामा विल बी कन्वर्टेड इन टू आगे वाला सेम रहेगा वी सा हिम विल रिमेन सेम वी him हो गया आपका सेंटेंस कन्वर्ट अच्छा उसके बाद हम आते हैं हमारा आखिरी प्रैक्टिसिंग सेंटेंस है ठीक है अच्छा ये आखिरी सेंटेंस हमारा कौन सा है आखिरी आप देख सकते हैं कि ये है एज़ सुन एज माई फ्रेंड्स थाट शी परफॉर्म्ड जैसे ही मेरे दोस्तों ने सोचा उसने वो परफॉर्म कर दिया ठीक है अब यहाँ पर ये यह देख सकते हैं आप एज सुन एज हैटेड इंटू नो सूनर ठीक माई फ्रेंड्स थाट यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट को शो कर रहा है थाट तो थाट विल बी कन्वर्टेड इंटू डिड यहाँ पर यह इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट डिड माई फ्रेंड्स थिंक थाट विल बी कन्वर्टेड इंटू फर्स्ट फॉर्म थिंक बिकॉज यहाँ पर डिड लग चुका है हमारा ठीक अच्छा उसके बाद है हमारी कॉमा कॉमा विल बी कन्वर्टेड इंटू देन ये आप देख सकते हैं देन She performed will remain same. She performed. ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट ये 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 पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि माजरत के साथ ये चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ हमारे यहाँ चीज़ों को पॉजिटिव में कम लिया जाता है ठीक है अब ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना ये थोड़े टाइम में आपको थोड़ा लेक्चर शायद लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ठीक पहले मेरी स्पीड भी थोड़ी तेज़ थी और मैं चाह रहा था कि हम कोर्स भी जल्दी से कवर कर लें और दूसरी बात ये थी कि फ़ाइव टू फिफ्टीन स्केल टेस्ट वालों के लिए ज़ाहिर बात है मेरी दिल से ख्वाहिश है कि उनको मैं जो है ना प्रफ़रेबली वो चीज़ें पहले कवर करा दूँ जो उनके टेस्ट में आनी है ताकि उनका इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन सीखने के साथ साथ टेस्ट में बड़ा फ़ायदा हो जाए ठीक है तो अब क्या है हम जो फ़ाइव टू फिफ्टीन स्केल की बेसिक जो इंग्लिश पोर्शन है उसको हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं काफ़ी हद तक कंप्लीट नहीं तो अब क्या होता है एक दिन मैं ये सिलेबस को आगे बढ़ाता रहूँगा एक दिन फ़ाइव टू फिफ्टीन स्केल का लेक्चर चलाता रहूँगा ताकि दोनों ही चीज़ें पैराल साथ में चलती रहें और दोनों का काम ही चलता रहें क्योंकि मेरे पास इस एकेडमी में ए, सी एस एस के स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास इस एकेडमी में कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास इस एकेडमी में फ़ाइव टू तो फिफ्टीन स्किल टेस्ट के भी स्टूडेंट्स हैं तो मैंने सब को मद्दनज़र रखा हुआ है मैंने तो इंग्लिश का अपना जो भी डिज़ाइंड सिलेबस है इंग्लिश कंपोजिशन और ग्रामर का वो सारा कवर कराना है बस फाइव टू फिफ्टीन स्केल वालों के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि वो चीज़ जो मैं बाद में सिखाता हूँ उनके लिए मैं इस बीच में या पहले साथ में सिखाता रहा हूँ अब बीच बीच में वो भी सिखाता रहूँगा ताकि टेस्ट में उनके लिए बेहतरी हो जाए उनकी भलाई हो जाए ठीक है होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा इन इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे थैंक यू वेरी मच